आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास चाहे कितना भी पुराना से पुराना फ़ोन क्यों ना हो, कितना भी सस्ता फ़ोन क्यों ना हो, यदि आप चाहते हो कि डिस्प्ले पे फिंगरप्रिंट लॉक लगाना, तो आज के वीडियो में ना मैं आपको एक ऐसी खुफिया राज बताऊंगा। यदि आप वो ट्रिक कर लेते हो, यदि वो राज जान लेते हो, तो आप अपने फ़ोन के डिस्प्ले पे फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हो। चाहे आपके पास कोई भी फ़ोन क्यों ना हो, सभी के फ़ोन में ये ट्रिक है, ये सेटिंग है, मगर आपको पता नहीं है। अब एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो कि मेरा जो फिंगरप्रिंट लॉक है वो पीछे के साइड में है। जैसे कि यहाँ पे मैं फ़ोन को लॉक करता हूँ और यहाँ पे मैं उंगली सटाता हूँ तो मेरा फ़ोन का लॉक अनलॉक हो गया, मगर यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे डिस्प्ले पे कोई भी फिंगरप्रिंट लॉक नहीं है। तो आज मैं आपको यही बताऊँगा कि आप अपने डिस्प्ले पे फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगा सकते हो, वो भी बिना किसी एप्लीकेशन के। तो चलिए मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, वीडियो में पूरा बने रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, यदि मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में घंटे का बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लिख करके मुझे सेंड कर देना है। अब इतना करने के बाद चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपने डिस्प्ले पे फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगा सकते हो। आपको करना क्या है दोस्तों कि आप अपने स्क्रीन पे थोड़ा देर होल्ड करके रखेंगे तो आपको वॉलपेपर का ऑप्शन आएगा, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे ना तो आप देखना साइड में, ये सभी के फ़ोन में होता है दोस्तों, थीम्स का ऑप्शन आपको दिखेगा। अब थीम्स का ऑप्शन जैसे ही दिखेगा ना तो उस पर क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पर ऊपर में सर्च यहाँ पर दिखेगा, सर्च करने का, तो यहाँ पर आपको लिखना है गैलेक्सी, ठीक है, यहाँ पर गैलेक्सी, यहाँ पे लिखना है S7, यहाँ पे, ठीक है, गैलेक्सी S7 लिख करके आपको यहाँ पे सर्च कर देना है। अब जैसे ही सर्च करेंगे ना तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके सामने एक थीम्स आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा तो डाउनलोड इसको कर लेना है। अब जैसे ही डाउनलोड कर लीजिएगा ना, उसके बाद आपको बैक चले जाना है। अब बैक चले जाएंगे ना तो आपको साइड में दिखेगा प्रोफाइल का ऑप्शन, इस पे प्रोफाइल पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा लॉक स्टाइल, इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको जो भी आपने थीम्स डाउनलोड किया है यहाँ पे सारा थीम्स आ जाएगा। जैसे मैंने अभी ये वाला डाउनलोड किया है तो इसको क्या करना है, आपको अप्लाई कर देना है। अब जैसे ही अप्लाई कर देंगे ना उसके बाद आपको बैक चले जाना है। अब बैक जाएंगे तो आप अपने मोबाइल को इसको इस तरह से ऑफ कीजिए, आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपके मोबाइल में यहाँ पर फिंगरप्रिंट लॉक लग गया, यहाँ पर खुल रहा है ना, आप देख सकते हो यहाँ पर खुल रहा है ना। अब यहां पे आप बोलोगे कि ये तो आपका फिंगरप्रिंट अपने लॉक लगाया नहीं, कोई भी फिंगर से ये लॉक खुल रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यदि आप इसको सिक्योर करना चाहते हो कि सिर्फ आपके ही फिंगर से खुले, तो आपको क्या करना है, आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको लॉक स्क्रीन दिख जाएगा, लॉक स्क्रीन में आपको जाना है, वो सभी के फोन में होता है, ठीक है। यहां पर आपको क्या करना है, आप अपना फेस लॉक लगा लीजिए, ठीक है, यहां पर आपको क्या करना है, फेस लॉक लगा लीजिए, मैं भी लगा लेता हूं। तो यहां पर मैंने फेस लॉक लगा लिया है, आप भी लगा लीजिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहां पे मैं लॉक कर रहा हूं, लॉक करने के बाद फिंगर डाल रहा हूं तो यहाँ पे खुल रहा है, नहीं खुल रहा है, यहाँ पे लॉक बता रहा है ना, यहाँ पे नहीं खुलेगा, ठीक है, यहाँ पे पूरी तरीके से सिक्योर हो गया ये। अब सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना फेस दिखाना है। अब फेस जैसे ही दिखाया तो यहाँ पे लॉक खुल गया, उसके बाद यहाँ पे फिंगरप्रिंट सटाए, यहाँ पे लॉक इस तरह से खुल गया। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने मोबाइल के डिस्प्ले पर फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हो, मैंने आपको लाइव प्रूफ करके बता दिया है, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको थीम्स को डाउनलोड करना है और आप अपने मोबाइल में फेस लॉक लगाना और आप अपने मोबाइल में इस तरह से डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हो, नहीं भी है आपके फोन में तो। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। बाय।